हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बार्टेंडर दुर्गेश राय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सेकंड फेयर में। तो आज हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका एक अच्छे बार के अंदर होना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में पहला नाम है बॉटल ओपनर का। जी हाँ दोस्तों, बॉटल ओपनर इसलिए कि आपको दांतों से बियर की बॉटल ना खोलनी पड़े। सोडा की बोतल, सॉफ्ट की बोतल इस बॉटल ओपनर से खोली जाती है। दूसरा नाम है चर्च की। दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले कुछ फ्रूट्स और जूसेस टीन के डब्बों में आते थे, आजकल ये टेट्रा पैक में आने लगे हैं। लेकिन आज भी कुछ ब्रांड हैं जो कि इस टीन के डब्बों में आते हैं, तो उन टीन के डब्बों को खोलने के लिए चर्च की का यूज़ किया जाता है। दोस्तों कॉकटेल शेकर एक कॉकटेल को शेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीन तरह के आते हैं। एक कॉकटेल शेकर होता है, ये तीन पार्ट में आता है, इसको थ्री पीस कॉकटेल शेकर भी कहते हैं। इसमें एक ग्लास होता है, एक उसका कवर होता है, दूसरा उसमें स्ट्रेनर होता है। एक और कॉकटेल शेकर आता है जिसमें दो टिन होते हैं, एक बड़ा टिन होता है, एक छोटा टिन होता है, इसे टिन ऑन टिन शेकर कहते हैं। एक और कॉकटेल शेकर आता है दोस्तों जो कि बारटेंडर्स में बहुत प्रचलित है, इसे बोस्टन शेकर कहा जाता है। इसमें एक कांच का गिलास होता है, उसके ऊपर एक टिन होता है, इसको तरीके से लगाकर शेक किया जाता है। दोस्तों बार स्पून इस साइज में कुछ 12 इंच या 15 इंच की होती है, जो कि किसी भी कॉकटेल को स्टिर करने के काम आती है। जी हाँ दोस्तों, मेनली जो मॉडल कॉकटेल होते हैं उनको स्टिर करने के काम आती है। दोस्तों लिस्ट में अगला नाम है लाइम स्क्वीजर का। एक लाइम को दो भागों में काटकर उसको स्क्वीज करने का काम इस लाइम स्क्वीजर का होता है। साइट्रस स्ट्रिपर। जी हाँ दोस्तों, सिट्रस फ्रूट के पील का स्ट्रिप निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिट्रस स्पाउट। सिट्रस स्पाउट का यूज़ किसी भी साइट्रिक फ्रूट के अंदर लगाकर उसके अंदर जूस निकालने के लिए किया जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रेनर भी होता है जिससे जूस का पल्प बाहर ना आए और सिर्फ जूस बाहर आए। किसी भी शैंपेन को खोलने के बाद अगर कुछ देर तक रखना पड़े तो उसके अंदर पाई जाने वाली गैसेस के उड़ने का डर रहता है, इसीलिए इस शैंपेन स्टॉपर का यूज़ किया जाता है। इस स्टॉपर की बनावट कुछ इस तरह होती है कि ये बोतल के नेक पर एकदम सलीके से फिट हो जाता है और ये जो उसके अंदर जो गैस है उसको उड़ने से रोके रखता है। तो कॉर्क स्क्रू का यूज़ वाइन की बोतल खोलने के लिए होता है। यहाँ पर तीन तरह के कॉर्क स्क्रू हैं। पहला क्लासिक कॉर्क स्क्रू, जिसमें एक स्क्रू होता है, उसके ऊपर एक हैंडल होता है जिसको हम घुमाना होता है और स्क्रू वाइन की कॉर्क में चला जाता है, उसके बाद उसे पुल करना होता है। दोस्तों ये है सोमेलियर्स कॉर्क स्क्रू, या फिर इसे वेटर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। दोस्तों ये मुख्यतः चार पार्ट में है और ये वाइन की बोतल के नेक को जब ये इससे हम खींचते हैं तो नेक पे ऐसा लग जाता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। दोस्तों एक और कॉर्क स्क्रू आता है जिसे विंग्ड कॉर्क स्क्रू या फिर एंजल्स विंग्स कहते हैं। इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये दिखने में इसके जो दो लीवर है वो पंख की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको एंजल्स विंग्स कहते हैं। दोस्तों अगला नाम है कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड का। किसी भी कॉकटेल बनाते वक्त कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल काटने के लिए एक अच्छा सा कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड होना जरूरी है। किसी भी वाइन बोतल के ऊपर लगी हुई फॉइल को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों लिस्ट में अगला नाम है हॉथॉर्न स्ट्रेनर का। जी हाँ दोस्तों, इसमें छोटे छोटे छेद देख रहे हो, एक इसमें स्प्रिंग दिखती है जो कि कॉकटेल बनाने के बाद कॉकटेल को स्ट्रेन करने के लिए जब हम कॉकटेल शेकर में इसको लगाते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया सा ग्रिप बनाता है। इसको ऐसा पकड़ के यूज किया जाता है और कॉकटेल को स्ट्रेन करते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे इसकी कॉकटेल के अंदर का जो लीव्स है, आइस है, वो सब ग्लास के अंदर ही रह जाता है। अगर बार में आइस है तो वो पिघले ना, उससे बचाने के लिए आइस बकेट का यूज़ किया जाता है। मार्केट में कई तरह की आइस बकेट्स अवेलेबल हैं। दोस्तों लिस्ट में अगला नाम है जिगर का, जिसे पेग मेजर भी कहा जाता है। ये मेनली दो भागों में होता है, एक भाग में 30 ml या फिर 1 ounce, दूसरे भाग में 60 ml या फिर 2 ounce। लिस्ट में अगला नाम है मडलर का। अगर आपने मोहितो पिया होगा तो बारटेंडर को मडलर से मोहितो मडल करते हुए देखा होगा। दोस्तों मडलर का मेन काम होता है
किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल में जब आप मडल करते हैं उसमें पाए जाने वाले उस फ्रूट या वेजिटेबल के जूस या फिर उसके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना। लिस्ट में अगला नाम है स्विजल स्टिक का, जिसका यूज़ सर्व किए हुए गिलास में जो भी ड्रिंक है उसको स्विजल करने के लिए या फिर स्टिर करने के लिए किया जाता है। स्ट्रॉ पाइप, इसका यूज़ तो सभी जानते हैं, किसी भी कॉकटेल या मॉकटेल को पीने के लिए स्ट्रॉ पाइप का यूज़ करते हैं या फिर किसी बॉटल में डायरेक्ट लगा कर स्ट्रॉ पाइप का यूज़ किया जाता है। आजकल कई तरह के स्ट्रॉ पाइप आने लगे हैं, मेनली प्लास्टिक के स्ट्रॉ पाइप जो कि बार में अलाउ नहीं है, वो पेपर स्ट्रॉ पाइप, स्टील के स्ट्रॉस या फिर ग्लास के बने हुए स्ट्रॉस यूज़ करते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं, वॉशेबल होते हैं। दोस्तों लिस्ट में अगला नाम है वाइन चिलर का या वाइन बकेट इसको कह सकते हैं। जब वाइन टेबल पे सर्व होने जाती है या फिर आप एक किसी वाइन की बोतल को खोल के रखते हैं तो वो फ्रिज से बाहर होती है और उसको ठंडा रखने के लिए इसमें वाइन की बोतल रखी जाती है और इसके आसपास आइस रखी जाती है ताकि वाइन की बोतल चिल रहे। आइस क्रशर, दोस्तों यह एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आइस को छोटे छोटे पीसेस में क्रश करके रखा जाता है जो कि मोस्टली मोहितो जैसे कॉकटेल्स में यूज होता है। जुलेप कॉकटेल स्ट्रेनर, दोस्तों इस कॉकटेल का यूज मेनली कॉकटेल को स्ट्रेन करने में होता है। मेजरिंग स्पून, दोस्तों इसका उपयोग किसी भी कॉकटेल या मॉकटेल में इंग्रेडिएंट्स को नाप के डालने के लिए किया जाता है। मिक्सिंग ग्लास, दोस्तों इसका यूज स्टर्ड कॉकटेल को मिक्स करने के लिए किया जाता है। नाइफ का यूज आप सभी को मालूम है, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को काटने के लिए या स्लाइस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेनली दो नाइफ होना बहुत जरूरी है, एक नॉर्मल कटिंग के लिए, दूसरा गार्निश के लिए। आइस स्कूपर, दोस्तों बार में एक रूल है कि कभी भी आइस को ग्लास से नहीं निकालना चाहिए, इसके लिए आइस स्कूपर का बार में यूज होता है। आइस टंग, आइस क्यूब को उठाकर ग्लास में डालने के लिए आइस टंग का यूज होता है। दोस्तों ध्यान रहे आप आइस को हाथ से ना छुएं, ये अनहाइजीनिक है। वाइपिंग क्लॉथ, दोस्तों मोस्टली दो तरह के क्लॉथ होना चाहिए बार में, एक जो बार की जनरल साफ सफाई के लिए और दूसरा ग्लासेस को धोने के बाद उनको तरीके से वाइप करने के लिए। एक अच्छे बारटेंडर के पास लाइटर होना बहुत जरूरी है। पीलर, दोस्तों इसका यूज़ किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को पील करने के लिए किया जाता है जो कि मेनली गार्निश में यूज़ होता है। फाइन स्ट्रेनर, दोस्तों इसका यूज़ तब किया जाता है जब आप अपने कॉकटेल या मॉकटेल में सिर्फ लिक्विड के अलावा कुछ और पार्टिकल्स नहीं चाहते हैं। नटमेग ग्रेटर, दोस्तों इसका यूज मेनली कॉकटेल में नटमेग को ग्रेट करने के लिए या फिर कुछ हार्ड नट्स को ग्रेट करने के लिए किया जाता है। बॉलर, इसका यूज फ्रूट्स की बॉल बनाने में किया जाता है जो कि मोस्टली कॉकटेल्स या मॉकटेल्स की गार्निशिंग में यूज की जाती है। पोरर, इसका यूज बार में मोस्टली रनिंग बोतल में होता है। इसका काम होता है अल्कोहल को एक पर्टिकुलर फ्लो में बाहर निकालना, पोर करना। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी बार इक्विपमेंट्स के बारे में जो कि किसी भी अच्छे बार में होना जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जैसे कि मेरा चैनल नया है अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।